एक धनुष बाण के सिवाय दूसरा कोई भी साधन शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं था। विभीषण श्री राम के पास आ जाते हैं और भगवान को पैदल खड़े हुए देख करके कहते हैं कि प्रभो, रावण तो बहुत बड़े रथ पर बैठ करके आया है और आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पैरों में पनही भी नहीं है, जूता भी नहीं है, आपकी छाती में कवच नहीं है, आपके हाथों में बाजू बंद नहीं है, आपके जांघों के ऊपर जो सुरक्षा कवच होते हैं वो नहीं है, आपकी उंगलियों में साधन नहीं है, तो किस तरह से आप ऐसे इतने विशाल रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। विभीषण को श्री राम के ऊपर संदेह हो जाता है। श्री राम को बिना रथ के देख करके, विरथ देख के विभीषण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभो, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितव वीर बलवाना। प्रभो, रावण तो बहुत बड़े रथ पर बैठ करके आया हुआ है और आपके पास कोई रथ नहीं है, आपके आपके आप रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम के चरणों की वंदना करके विभीषण प्रार्थना करने लगे, आपके विजय का उपाय मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, कैसे विजय आप प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्यों संदेह हो रहा है, भगवान ने कहा कि तुम्हें क्यों संदेह हो रहा है, तो विभीषण बोले, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितव वीर बलवाना। बात क्या है, जहां अधिक प्रीति होती है, जहां अधिक प्रेम होता है, वहां मन में संदेह होता है। आपका भाई कहीं गया हो, आपका बेटा कहीं गया हो, स्कूल के कार्यक्रम में, टूर में समय पर नहीं आया, तो आप सूचना प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं, कब क्यों नहीं आया। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, कहीं भूल तो नहीं गया, गाड़ी तो नहीं टूट गई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं नदी में तो नहीं गिर पड़ा, कहीं छूट तो नहीं गया, नाना प्रकार के मन में उथल पुथल होने लगती है। क्यों? अधिक प्रेम के कारण। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहत सनेहा। विभीषण के साथ भी यही हो रहा था, परमात्मा से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उसके मन में संदेह था कि ये रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं? संदेह का कारण क्या था? किसी भी विचार के पीछे हेतु होता है, प्रयोजन होता है। हेतु क्या था? हेतु यह था कि रावण तो बहुत बड़े रथ पर था और यहाँ नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितव वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने का कवच है, न पैर में जूते हैं, आप कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने विभीषण को अधीर देख करके, दुखी जान करके, संदेह युक्त मान करके भगवान श्री राम बोले, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो यशो चंदन आना। चंदन माने रथ, जिस रथ पर बैठ करके विजय प्राप्त की जाती है वो रथ दूसरा है, जिस रथ पर बैठ करके रावण आया है उस रथ पर बैठ करके 100 रावण 100 बार आ जाएं तो भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रावण अधर्म के रथ पर बैठ करके आया है और मैं धर्म के रथ पर बैठा हुआ हूं। विभीषण बोले, महाराज, रावण जिस रथ पर बैठा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जिस रथ पर बैठा है वो दिखाई पड़ रहा है और आप जिस रथ पर बैठे हैं वो तो हमें दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो हम जानना चाहते हैं
किस रथ पर बैठे हैं? तो भगवान बोले, हम जिस रथ पर बैठे हैं, हमारा रथ अष्टादश अंगों से युक्त है। 18 उपकरण लगे हैं हमारे रथ में, 18 उपकरण। रथ में चके होते हैं, रथ में चोक, रथ में घोड़े होते हैं, रथ में लगाम होती है, रथ में पहिया होते हैं, सारथी होता है, बैठने वाला रथी होता है, पटिया होते हैं, और उनको घोड़ों को बस में करने के लिए डोरी होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि हमारा रथ कौन सा है, अष्टादश अंगों से युक्त हमारा रथ। सौरज धीरज रथ जहि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम शिली मुख नाना। कवच का कवच भी है हमारे पास, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। पूरा रथ है मेरे पास तैयार। महाराज फिर से समझाइए, तो श्री राम बोले, विभीषण रथ में दो पहिए होते हैं, तो मेरे पास शूरता और वीरता, एक एक शब्दों के बड़े अर्थ किए गए हैं। धर्म इसको धर्म रथ कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने, शंकराचार्य जी महाराज ने धर्म रथ पर एक बार कलकत्ता में प्रवचन दिया था। तो एक एक शब्द में बस शूरता किसे कहते हैं, वीरता किसे कहते हैं, है ना? तो अभी तो आज वो अवसर नहीं है, समय के कारण, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक करना है अपने को। तो शौर्य और धैर्य, शौर्य और धैर्य मेरे धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं। संक्षेप में धर्म रथ हम आपको सुनाते हैं। सत्यशील और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। एक ध्वजा होती है और एक पताका होती है। ध्वजा इसको कहते हैं जो सामने त्रिकोण वाला, जिसमें त्रिकोण रहता है उसको ध्वजा कहते हैं, और जो चौकोर होती है उसको पताका कहते हैं। उसमें रथ में जो ध्वजा पताका है वो सत्य और शील की, शील माने सदाचार, मैंने कभी गलत आचरण नहीं किया जीवन में, और मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। सत्य बोलने वाली ध्वजा और सदाचार की पताका, ये दोनों मेरे रथ पर लगी हुई है। रथ में घोड़े होते हैं, तो मेरे रथ में चार घोड़े हैं, एक बल रूपी घोड़ा है, एक विवेक रूपी घोड़ा है, और दूसरा परोपकार रूपी घोड़ा है, और एक दम रूपी घोड़ा है। बल कहते हैं मेरी, हमारी परंपरा से प्राप्त क्षत्रियों का बल, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, ये जो क्षत्रिय के धर्म पालन करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति हुई है, प्राप्त हुई है, वो बल मेरे पास है। विवेक, विवेक माने आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, धर्म अधर्म का विवेक, पुण्य पाप का विवेक, जैसे तिल तंदुल का विवेक है ना, नीर चीर विवेक, पुण्य पाप का विवेक, ये जो विवेक है वो मुझ में है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। करना चाहिए ये सब जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको विवेक कहते हैं। सब लोगों ने समझाया, वशिष्ठ जी ने भी समझाया, राजगद्दी स्वीकार कर लो, मैंने कहा नहीं, मातृ देवो भव, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वनवास ले लिया, ये विवेक है। वहां विवेक से काम नहीं लेते, दूसरा कोई राजकुमार होता राजगद्दी पर बैठ जाता। बल विवेक, बल रूपी घोड़ा मेरे रथ में लगा हुआ है, विवेक रूपी घोड़ा मेरे रथ में लगा हुआ है, और दम, दम यानी इंद्रियों पर, इंद्रियों का निग्रह करना है ना, षट संपत्ति होती है, षट संपत्ति होती है, षट संपत्ति में विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा, षट संपत्ति में साम दम उपरति
श्रद्धा और समाधान उपरति साम दम, सम यानी मन का निग्रह करना, मन को बस में रखना सम कहलाता है, इंद्रियों को बस में रखना दम कहलाता है, प्रपंच न करना उपरति कहलाता है, गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास करना ये श्रद्धा कहलाती है, और सम दम उपरति और श्रद्धा ये जो षट संपत्ति है, और समाधान चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। तो ये षट संपत्ति में जो दूसरी संपत्ति है जिसका नाम है दम, इंद्रियों को बस में करना, आंख को बस में करना, जैसे कोयला पसंद है, जैसे गुलाब का फूल पसंद है, वैसे ही कोयला पसंद है, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है। आंख को बस में कर लिया, कान को बस में कर लिया, पैरों को बस में कर लिया, हाथों को बस में कर लिया, इसको दम कहते हैं। इंद्रियों का दमन करना, मन का निग्रह करना यानी सम कहलाता है। तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहन कर लेना। सुख आ जाए तो प्रसन्न नहीं होना है, दुख आ जाए तो दुखी नहीं होना है, दोनों को सहन कर लेना है, इसको तितिक्षा कहते हैं। सम दम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। एक और है सम दमो उपरति, हाँ उपरति, उपरति यानी प्रपंच से ऊपर उठना हो गई छह, और समाधान चित्त की एकाग्रता। ये जो षट संपत्ति है, इस षट संपत्ति में जो दम रूपी संपत्ति है निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, वो घोड़ा मेरे पास है। और दूसरा परोपकार, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों का ही भला किया, परोपकार करने का जो फल है वो फल घोड़ा बनकर के मेरे रथ में जुटा हुआ है। बल विवेक दम पर हित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। अब देखो घोड़े चार हैं और लगाम तीन है, क्षमा रूपी लगाम है, कृपा रूपी लगाम है, समता रूपी लगाम है। अपराधी को मैं क्षमा कर देता हूँ, सबके ऊपर कृपा करता हूँ, और किसी से बैर भाव नहीं है, समभाव है, समदर्शन है मेरे मन में। ये तीन लगाम हैं, घोड़े चार हैं, लगाम तीन है। घोड़े कौन कौन हैं? बल विवेक दम और परहित। तो विवेक रूपी जो घोड़ा है उसको लगाम की आवश्यकता नहीं है, तभी तो विवेक कहलाएगा वो, लेकिन बल को लगाम चाहिए। आपके पास बल हो जाए, मसल पावर आ जाए, किसी को भी दिया लाफा, इसलिए उस पर लगाम होना चाहिए। नहीं, निर्बलों को नहीं मारना है, बल होने के बाद लगाम चाहिए। बल विवेक दम, इंद्रियां बस में नहीं है तो जो वस्तु आपकी नहीं है उसको, उस वस्तु को प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे, उसके लिए लगाम चाहिए। नहीं, इंद्रियों का दमन करना है हमें। परहित, किसका परहित करना है, किसका नहीं करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। दान करते समय ये देखना है कि जो जिसे हम दान दे रहे हैं वो दान लेने के लिए पात्र है कि नहीं। कुपात्र को अगर हमने दान दे दिया तो अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् करोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। इसलिए अदत्त को, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। एक लोटा पानी आपके पास है, आप किसको दोगे? तुलसी के झाड़ में डालोगे पुण्य मिलेगा, पीपल के झाड़ में डालोगे पुण्य मिलेगा, प्यासे को पानी पिला दोगे पुण्य मिलेगा, गाय को पानी पिला दोगे पुण्य मिलेगा, कुत्ता को पानी पिला दोगे पुण्य मिलेगा, एक लोटा जाके समुद्र में डालोगे कुछ मिलेगा समुद्र को? पानी पानी भरा हुआ है वहां तो, देशे काले च पात्रे च, ये सब जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो परहित, परहित करने का ज्ञान, हमेशा परोपकार करना, परोपकार रूपी घोड़ा मेरे पास है, घोड़े चार हैं और लगाम तीन हैं, विवेक मेरे पास है, विवेक पर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है। बल, बल बहिर्मुख हो जाता है कई बार, इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं, दम माने इंद्रियां, इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं,
और परहित जब हम बिना विचारी करने लगते हैं तो फिर उससे भी दुख होता है। हमको भूमि दान करना है, 2200 का प्लाट किसी को दान करना है, आपको ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया, वो उसने उस प्लाट के ऊपर मदिरा की दुकान बना करके शराब की दुकान खोल दी, दाता भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी नरक, दोनों नरक में जाएंगे। किसको दान देना है? गौदान किसे करना है? गौदान करना है आपको ना, किसे करना है? कसाई को कर दिए तो कसाई तो नरक में जाना ही है, आप भी जाओगे। इसलिए समझना चाहिए कि गौदान किसे करना है, स्वर्ण दान किसे करना है, गजदान किसे करना है, भूमि दान किसे करना है। और अच्छी तरह से सुन लो खास बात, कन्यादान किसे करना है। ये जो 5 महादान होते हैं, ये बिना विचारे करोगे तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, इनको विचार करके ही अधिकारी को जब दोगे तभी पुण्य की प्राप्ति होगी। ये शास्त्रीय विधान है, मनमाना जिनको करना है उनके लिए शास्त्र क्या करेगा? नाव में छेद है, पानी का दोष है, नाव में छेद है तो नाव के छेद का दोष है कि पानी का दोष है? नाव में छेद है तो पानी भरेगा। इसी तरह से मनमाना करोगे तो उसके पाप का फल आप भोगोगे, दूसरा नहीं भोगेगा। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, क्षमा दया क्षमा समता रूपी डोरी से मेरे रथ में जो घोड़े हैं उन घोड़ों में वो डोरी लगी हुई है। सारथी कौन है महाराज आपके रथ में? रथ को तो चलाने वाला होता है ना, जिसको आज आप लोग ड्राइवर कहते हो उसको संस्कृत में सारथी कहते हैं। सारथी भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने। सारथी का अर्थ होता है जो रथी यानी मालिक बैठे हुए की आज्ञा का पालन करे। भगवान ने कहा रथम स्थापय मेच्चतो, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो। करना पड़ा भगवान को, अर्जुन की आज्ञा का पालन करना का पड़ा। सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्चतो, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, इसको सारथी कहते हैं। सारथी कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। मैंने जो भगवान का भजन किया है, ईश्वर की आराधना की है, हमारे सूर्य देवता की आराधना की है, महादेव की आराधना की है, महादेव राम का भजन करते हैं, श्री राम महादेव का स्मरण करते हैं, जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने लगे श्री राम, तो समुद्र किनारे रामेश्वर भगवान की स्थापना की। आज भी वहां शिवलिंग है, रामेश्वर तीर्थ है बहुत बड़ा। ईश्वर का भजन यानी ईश्वर के भजन का फल मेरे रथ को चलाने वाला है। जब ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ये बात आप लोग भी जानते हो। नालायक ड्राइवर को आप गाड़ी नहीं देते, आपका रथ भी आपका जो देह रूपी रथ है ना, ये शरीर को रथ बना लो, हम शरीर को रथ बना करके ही बता देंगे। आपका शरीर जो है वो रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय इसके मार्ग है। यमराज नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव हि, बुद्धि तुषारितं विद्धि मना प्रग्रह्यमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भुक्तित्वाहुर मनीषिणः। नचिकेता आत्मा शरीर को रथ बना ले, परमात्मा को रथी बना ले, रथी माने मालिक, और बुद्धि को सारथी बना ले, मन की लगाम लगा ले, इंद्रियों को घोड़ा बना ले, और मन की लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने बस में रख, अन्यथा ये इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी चारा की ओर ले जाएंगे, आंख रूप की ओर ले जाएगी, कान शब्द की ओर ले जाएंगे, नासिका सुगंध की ओर ले जाएगी, रसना रस की ओर ले जाएगी, पैर भी ऐसे ही ले जाएंगे, हाथ भी इसी तरह काम करेंगे। इन इंद्रियों को बस में रखने के लिए लगाम आवश्यक है, तो मन रूपी लगाम, इन इंद्रियों का संचालक मन है, तो मन रूपी लगाम को बस में रखना चाहिए। यस्तु विज्ञानवान भवतु सदस्वा इव सारथे,
जो ज्ञान को जानता है और जो विज्ञान को जानता है उसका उसका शरीर रूपी रथ कभी भी गड्ढे में नहीं गिरता। एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। ज्ञान संसार की वस्तुओं को जानना ज्ञान है, संसार के रचयिता को जानना विज्ञान है। ये लाइट बिजली ये पंखा चल रहा है ये ज्ञान है, और लाइट बिजली पंखा ये क्यों चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, बरगी डैम में जा करके जो बिजली जनरेट होकर के तैयार की जा रही है उसको जानना विज्ञान है। प्रकाश आ रहा है ये जानना ज्ञान है, सूर्य को जानना विज्ञान है। इसी तरह से संसार को जानना ज्ञान है, सृष्टिकर्ता को पहचानना विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान सहितम, हे अर्जुन ज्ञान को जान और विज्ञान को जान। यस्तु विज्ञानवान भवति सदस्व एव सारथे, जो ज्ञान को भी जानता है विज्ञान को भी जानता है उसका शरीर रूपी रथ हमेशा सन्मार्ग पर चलता है। भगवान कह रहे हैं विभीषण तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, मेरा धर्म रथ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। रावण के बाणों से, रावण के रथ से, मेरे धर्म रथ पर, अधर्म रूपी रथ पर बैठा हुआ रावण मेरे धर्म रूपी रथ पर बैठे हुए मुझ राम पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना। रथ में हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, वैराग्य रूपी ढाल है मेरे पास, संतोष की तलवार है मेरे पास, दान रूपी फरसा है मेरे पास, और श्रेष्ठ बुद्धि का, प्रचंड बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि की शक्ति मेरे पास है। ये मेरे पास हथियार है, साधन, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठिन धनुष मेरे पास है, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठिन धनुष मेरे पास है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। और भगवान बता रहे हैं मेरे धर्म रथ में क्या है। अचल अमल अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। निर्मल पाप रहत और अचल स्थिर रूपी मन तर्कस मेरे पास है। ये मन बड़ा चंचल होता है, मन इतना चंचल होता है कि आपका आपका मन ही आपको छोटे से बड़ा कर देता है, बड़े से छोटा कर देता है। आपका मन ही आपके मित्र को शत्रु बना देता है, आपका मन ही आपसे गलत काम करवाता है, आपका मन ही आपसे अच्छा काम करवाता है। इसलिए मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पर ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। वो मन ही, उस मन में ही राम बैठे होते हैं, राम झरो का बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, ताको तैसा दे। ये कैसे बनता है, ये मन जो करता है उसी का फल इस देह को भोगना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने अनुसार मन को नहीं चलाया, आप मन के अनुसार चलने लगे, यही आपसे भूल हो गई है। अचल अमल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। निर्मल निर्मल यानी पाप रहत, मल रहत, अमल अमल, और अचल अचल माने स्थिर, कूटस्थ। अधिष्ठान दया देह दयावच्छिन्न चेतना, कूटबन निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ मुच्यते। ये कूटस्थ परमात्मा का लक्षण है, तोड़ा मारता है लेकिन निहाई कुछ नहीं बिगड़ता। जिसको गर्म किया है वो पैनी नुकेली होती है लेकिन निहाई का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो भी कूटस्थ है। परमात्मा ऐसे ही है, कूटबन निर्विकारेण, निर्विकार बिल्कुल, सारे विकारों का, वो देहत्रय का, कालत्रय का, भूतत्रय का, देहत्रय का, भूतत्रय का, अवस्थात्रय का, पंचकोशातीतासन यह तिष्ठति का आत्मा, सबका साक्षी बना हुआ बैठा हुआ है। बस विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोही, राम अन
अनादि अवधपति सोई। सबका साक्षी बना है राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश दे रहा है, वो जो स्वयं प्रकाश है, जिसके प्रकाश से सब प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं, ये हुआ निर्गुण ब्रह्म का लक्षण। और राम अनादि अवधपति सोई, ये हुआ सगुण ब्रह्म का लक्षण। निर्गुण और सगुण एक ही चौपाई में दोनों के लक्षण तुलसी बाबा ने रख दिए, निर्गुण और सगुण। सबको प्रकाशित करने वाला वो राम, वो मैं, वो मैं क्या है? अचल अमल मन त्रौन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। सम यानी मन का निग्रह करने वाला, अहिंसा दी यम, यम अहंसा सत्यमस्ते यो ब्रह्मचर्य परिग्रहा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आदि, ये जो पांच यम और नियम जो योग में आते हैं ना, उन सब का, ये सब मेरे बहुत से बाण हैं। अर्थात यम और नियम मेरे मेरे बाण हैं, मेरे रथ में वो रखे हुए हैं। महाराज आपकी छाती में तो कुछ है नहीं है, आपकी छाती में तो एक तो गमछा पड़ा हुआ है बस, और छाती में अगर बाण मार दिया रावण ने तो ना 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 नहीं मारेगा, मारेगा भी, मारेगा भी तो लगेगा नहीं का। क्यों? कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, मैंने जो ब्राह्मणों की पूजा की है, मैंने जो गुरु का पादोदक लिया है, मैंने उनके चरणोदक लिया है, और चरणोदक उनके पाद प्रक्षालन का जो पुण्य है वो मेरी छाती पर लिपटा हुआ है, रावण के लाख बाण भी मेरी छाती को नहीं भेद सकते। कवच अवेद, जिसका भेदन ना हो सके वो अभेद। कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मणों की पूजा करने का फल, गुरु की पूजा, गुरु के आशीर्वाद का फल मेरे वक्षस्थल की रक्षा कर रहा है। अभेद कवच है, इसके समय यही समय विजय उपाय न दूजा, इसके अलावा इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म मय यस रथ जाके, जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। हे मित्र, भगवान ने सखा कहा, विभीषण को सखा कह रहे हैं, आप देखिए वो अपने आप को दास कह रहा है, सेवक कह रहा है, भगवान उसको सखा बना रहे हैं, ये भगवान की कृपा। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे मति को धारण करने वाले विभीषण, जिसके पास धीर बुद्धि वाले सखा, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ है, वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है, रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुन करके विभीषण ने हर्षित होकर के उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि भगवान, मैंने तो आप पर, आपसे रावण पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा था, आपने तो मुझे संसार सागर से पार होने का उपाय बता दिया। सुन प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिस मुहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। हमारे भीतर इसी तरह से जो विभीषण पूछ रहा है ना, हमारे भीतर भी नाना प्रकार के संशय होते हैं, नाना प्रकार के संदेह मन में पैदा होते हैं, है ना। उन संदेहों का कारण क्या है, संशयों का कारण क्या है? हमारे अंदर अंतःकरण में जो परमात्मा का निवास है, हम उसे जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। जो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने तू मरसि पिपासा। आनंद का सागर यहाँ हिलोरा ले रहा है अंदर, और हम नदी नाले में जाकर के पानी पी रहे हैं, बाहरी समुद्र में जाकर के स्नान कर रहे हैं। भगवान ने देखा विभीषण के मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उसको उन्होंने दूर किया, और देवताओं ने देखा स्वर्ग से श्री राम युद्ध के लिए खड़े हैं,
विभीषण से वार्तालाप हो रहा है। आकाश में खड़े देवता तरह तरह की बातें करने लगे। उनकी बातें सुन करके इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुला करके कहा, सारथे रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, तुम मेरा रथ लेकर के जाओ और उनसे कहो यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है, इस पर बैठ करके ही वो रावण से युद्ध करें, देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवराज की आज्ञा पाकर के सारथी जिसमें सोने की जाली से घोड़े जुते हुए थे, उन्हें सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया था, ऊपर से सोने के दंड पर ध्वजा फहरा रही थी, रथ के चारों ओर घंटियां लटक रही थीं, उस श्रेष्ठ रथ को महारथी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाता है, हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी से प्रार्थना करता है, आपकी सेवा में इंद्रदेव ने यह रथ भेजा है, विजय प्राप्त करने के लिए आपको यह रथ समर्पित है, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर के राक्षस राज का वध कर दीजिए। इत्युक्ता सम परिक्रम्य रथम तमभिवाद्य च आरुरोह तदारामो लोकाल लक्ष्म्या विराजयन बिहसि चढ़े कौसलपुर भूपा। आत्मा रूपी रथ क्या है? ये जो आत्मरथ है, शरीर रूपी जो रथ है ना, वो साधक है। जब वो अंतःकरण का शोधन करता है तो वो आत्मा रूपी रथ को पा लेता है। अंतःकरण का शोधन करना आना चाहिए। शोधितयो हो, शोधित को ही, शोधित को जानना है हमें, शोधन करना है उसका। तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्या ऐक्यं विधीयते, श्रुति इसका विधान करती है, जो शोधित है उसी का श्रुति वर्णन करती है, शुद्ध ब्रह्म का वर्णन करती है। मातली के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने रथ की तीन बार परिक्रमा की, फिर प्रणाम किया और उस पर सवार हो गए। राम राक्षस राज रावण में और श्री राम में युद्ध होने लगा। रावण के द्वारा छोड़े गए गंधर्वास्त्र दैवास्त्र सबको श्री राम ने नष्ट कर दिया। तब रावण ने क्रोधित होकर के राक्षसास्त्र का प्रयोग किया, अस्त्र से विषधर सांप निकल करके चारों ओर फैल गए। श्री राम ने गरुणास्त्र छोड़ करके सारे सांपों को खदेड़ दिया। रावण बड़ा मायावी था, अपने रथ को आकाश में ले जाता था, फिर पृथ्वी में उतार देता था, फिर युद्ध करता था। लोग सोचते थे कि रावण भय के कारण भाग गया, कुछ ही क्षण में वो वानरों के सामने उपस्थित हो जाया करता था। अपने ऊपर बाण छोड़ते हुए श्री राम को देख करके एक बार रावण पीछे हटा। श्री राम ने मौका देख करके बाण छोड़ा तो रावण का रथ नष्ट हो गया, पृथ्वी पर रावण खड़ा हो गया। श्री राम ने बाणों की वर्षा कर दी और रावण ने भी मातली को घायल कर दिया। उसने एक बाण मार करके श्री राम की ध्वजा को काट दिया और घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब राम की भौहें टेढ़ी हो गईं, उनके क्रोध से सभी प्राणी डरने लगे, भयभीत हो गए। रावण ने शत्रु विनाशकारी वज्रसार नामक शूल उठा करके श्री राम के ऊपर चला दिया। श्री राम ने उसका भी सामना किया, अर्थात दोनों के बीच में भयानक युद्ध होने लगा। राम रावण दोनों अपने आमने सामने खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे, गदाओं से, मूसलों से, बाणों से, तलवारों से, बाणों की पंखों से सनसनाती हुई विक्षुब्ध हवाओं से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे थे। युद्ध को देख करके देवता, ऋषिगण, देवगण सभी प्रार्थना करने लगे, राघव युद्ध में विजयी हों, आशीर्वाद देने लगे। रोमांचकारी युद्ध को देख करके विभीषण ने देखा ये युद्ध बंद ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है। राम ने विषधर सर्प के समान बाण का संधान करके रावण के मुकुट कुंडल आदि गिरा दिए, उसका सुंदर मस्तक काट दिया, मस्तक नीचे गिर गया, गिरते हुए देखा। लेकिन थोड़ी ही देर में श्री राम देखते हैं कि रावण का मस्तक फिर उसके धड़ में जुड़ गया।
छिन्न मात्रंच तच्छीर्षम पुनरेव प्रदर्शये। काटत ही पुन भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। दस दस बाण भाल दस मारे, निगरी गए चले रुधिर पनारे। काटत बढ़ही शीस समुदाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लोभी लोभी धन को बढ़ाते ही जाता है, खर्च नहीं करता, खाता भी नहीं है, खर्च भी नहीं करता है लोभी। इसी तरह से बाण निकलना जो शुरू हुए तो निकलते ही गए, सिर कटता गया, नया सिर पैदा होता गया, भगवान सोचे क्या हो रहा है। राम चिंता करने लगे, मैंने जिन बाणों से मारीच का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया, खरदूषण को मार दिया, कबंद साल वृक्ष को पराजित किया, बाली का उद्धार किया, ये अमोघ बाण रावण को मारने में क्यों समर्थ नहीं हो रहे हैं। श्री राम चिंता करने लगे, क्यों तेजहीन हो गए हैं। उन्होंने रावण की छाती पर बाण मारा, रावण ने उन्हें काट करके राम की गदाओं की वर्षा, श्री राम को भी पीड़ित कर दिया। रावण कभी आकाश में चला जाता था, कभी पृथ्वी पर चला जाता था, कभी पर्वत के शिखर पर बैठ करके युद्ध करता था, कभी नीचे उतर करके युद्ध करता था। इस तरह युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण का युद्ध दिन रात चलता रहा, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं हुआ। उन दोनों के युद्ध में श्री राम की विजय होते न देख करके देवराज इंद्र ने, सारथी महात्मा मातली ने श्री राम को स्मरण दिलाया और कहा कि वीरवर, आप अज्ञानी पुरुषों के समान व्यवहार मत कीजिए, आप इसके बध का उपयोग कीजिए। रात्रि होते ही निशाचरों की शक्ति बढ़ जाएगी, आप सूर्यास्त के पहले आज इसका अंत कर दीजिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। मातली के वाक्य सुनकर रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया जो वेद विधि के अनुसार उन्होंने ब्रह्मास्त्र पर चढ़ाया और उसकी प्रत्यंचा को जोर से खींच करके ब्रह्मास्त्र रावण पर चला दिया। यही बाण था जिसे पहले भगवान ने अगस्त्य ऋषि से प्राप्त किया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, युद्ध में अमोघ था। ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए इसका निर्माण किया था। वह बाण इंद्र के हाथ से छूटे वज्र के समान दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण करने लगा। रुधिराक्तः सवेगेन शरीरांतः करह सरह, रावणश्च हरन् प्राणान् विवेश धरणी तलम। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण रक्त से रंगकर धरती में समा गया। पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री राम के तरकस में वापस लौट करके आ गया। खेच सरासन श्रवण लगी, छोड़े सर इकतीस, रघुनायक सायक चले मनहु काल फनीश। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज दरुंड महिनाचा। धरनि घसे धर घाव प्रचंडा, तब प्रभु सर हति कृत जुग खंडा। डोली भूमि गिरा दस कंधर, छुबत सिंधु सरि दिग्गज भूधर। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हरण करने वाला वह बाण शरीर रावण के प्राणों का हरण करके धरती में घुसा, धरती में से निकल करके श्री राम के पास वापिस आ गया। राक्षस राज प्राणहीन धरती पर गिर पड़ा। उसके मरते ही बची हुई राक्षस सेना भयभीत होकर के भाग गई। इस तरह परमात्मा श्री राम ने रावण का उद्धार किया। बोलिए राजा राम की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की। हर्षोल्लासित होकर के श्री राम की विजय की जयघोष करते हुए वानर सेना हर्षित होने लगी। आकाश से मधुर स्वर से देवताओं ने दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य बढ़ बहने लगी, सुगंध युक्त मंद गति से वायु प्रवाहित होने लगी।
आकाश से श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हो गया, देवताओं ने रामचंद्र जी को साधुवाद दिया। पश्चात सुग्रीव विभीषण रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन सब ने मिलकर के रामचंद्र जी की पूजा की। मंदोदरी को मालूम पड़ा कि श्री राम के बाणों से मेरे पति का वध हो गया है, विलाप करने लगी, दौड़ते हुए रणभूमि में आ गई, गिरे हुए शरीर से लिपट करके कहने लगी, मैंने आपको बहुत समझाया था लेकिन आप नहीं माने, स्वामिन अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा भर्ता पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संतयाः। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं है, समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सीता के कारण तुम गया, सारी लंका नष्ट हो गई, सारा साम्राज्य आपका जाता रहा, आपको देख करके देवता भी कांप जाया करते थे, उन्हीं देवताओं ने क्या, एक मनुष्य ने